आज हमने म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर की तरफ से सबसे पहले तो हमने सफाई कर्मचारियों को जूते और वर्दियां बांटी और जो हमारे पीछे काम करते हैं लड़के जो पर्ची का काम करते हैं उनको वर्दियां दी गई। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है कि हमने लखनपुर को स्वच्छता की ओर ले जाना है, तो हमने यहां पर आज आपके सामने अड्डा में
नए प्रकार के डस्टबिन बनवाकर जो हम अड्डे के बीच में लगा रहे हैं, ताकि जो लोग कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं वो बाहर ना फेंके। और इसके साथ साथ ही हमने कोई 50 के करीब जो है वो बोर्ड बनाए हैं, जिस पर अलग अलग स्लोगन लिखे हैं कि हमारा लखनपुर साफ हो, इसमें हम सबका साथ हो। कई बार जहां पर अनजान लोग आ जाते हैं तो उनको पेशाब कहां करना है उनको पता नहीं होता, तो वो अलग अलग जगहों पर शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमने बोर्ड बनाए हैं। और इस प्रकार से हम लखनपुर को स्वच्छता की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारा शहर साफ हो, इसमें हम सबका साथ हो। लखनपुर को लेकर क्या क्या अभी हो रहा है? अभी तो ऐसा था कि जो नेशनल हाईवे पे हमारा ये जो डस्टबिन कहीं नहीं लगे थे, आज हमने वो डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आते थे वो खाते थे, उनको कोई जगह नहीं मिलती थी फेंकने के लिए, इसलिए हम डस्टबिन वो किए हैं। आज कोई यूनिफॉर्म भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो हमारे कोई सफाई कर्मचारी को करी है, जो हमारे जो क्लास फोर्थ हैं, कैजुअल लेबर हैं, सभी को दी है। वो फंड हमें डायरेक्टर साहब से मिले थे, वो ने आज हमने उनको। सर, 4-5 महीनों के बाद जो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी, तो नहीं, ये भी उसका पार्ट ही है। जब यात्रा शुरू होने से पहले हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जो जो भी हमें हमारे संज्ञान में जो आ रहा है, जिससे हम बेहतर सफाई का अच्छा व्यवस्था कर सकें, वो हमने करना शुरू कर दिया है। देखा भी नहीं देखा।